झारखंड हाई कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण मामले में आज सुनवाई होनी है। बता दूं कि बीते दिनों सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने एक स्टे पिटीशन फाइल किया था, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार की ओर से जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की वैकेंसी निकाली गई है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि इस वैकेंसी में उन्हें मान्यता नहीं दी गई है और इस मान्यता नहीं दिए जाने की वजह से वो इस बहाली से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि लगातार जो है उनकी ओर से मांग किया जा रहा था कि सीटेट को झारखंड में मान्यता मिल जाए, लेकिन राज्य सरकार सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं दिए हुए है, जिसको लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे। और इसी कड़ी में जो विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट में स्टे पिटीशन फाइल किया गया है, और स्टे पिटीशन के माध्यम से ये जो नियुक्ति निकाली गई है इस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बता दूं कि इसमें सिर्फ जेटेड के अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर जो है सीटेड के अभ्यर्थी है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि 2016 के बाद से झारखंड में जेटेड की परीक्षा नहीं ली गई है, इस वजह से वो इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे और उनका जो हक है वो मारा जा रहा है, क्योंकि अगर 2016 से 2023 का जो बीच का आंकड़ा हम अगर ले तो 7 साल का गैप होता है, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार की ओर से हर साल जेटेड की परीक्षा ली जानी थी, लेकिन 2016 के बाद से एक भी जेटेड की परीक्षा नहीं ली गई है, जिसको लेकर जो है सीटेट के अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। और उनका कहना है कि ये उनका हकमारी है और जो उनका अधिकार है वो छीनने का काम कर रही है राज्य सरकार। ऐसे में उन्होंने स्टे पिटीशन फाइल किया है और हाई कोर्ट से दखल की मांग की है और पूरी नियुक्ति बहाली पर स्टे लगाने की मांग की है। अब देखने वाली बात हुई कि जब आज झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होती है तो क्या कुछ होता है। कानपुर न्यूज़ नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर आईआईटी जेईई नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, केवीपीवाई एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, सीएसआई आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर डीपीएस स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जानिस अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।